हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग। गाइस, आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, हम आपको कोई जगह तो नहीं दिखाने वाले, लेकिन हाँ, हमने हमारी ब्लॉगिंग करने के लिए हमने एक गोरिल्ला ट्राइपॉड ऑर्डर किया था अभी 2-3 दिन पहले। तो अभी जस्ट डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया था कि सर आपका पार्सल आ चुका है, तो हम जाते हैं, पार्सल रिसीव करते हैं और पार्सल की अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं जितने का हमने ऑर्डर किया था, क्या उसकी कॉस्ट है, कैसा मटेरियल आया है। ठीक है गाइस, तो बने रहिए वीडियो के साथ में, हम जाते हैं पार्सल लेके आते हैं, फिर आपको उसके अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। ओके गाइस, तो दोस्तों ये है हमारा पार्सल फ्लिपकार्ट का, आप देख पा रहे हो, ये देखिए फ्लिपकार्ट, और ये आ चुका है। तो हम अब इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देख लीजिए, ये मेरे नाम से आया हुआ है, देख पा रहे हो आप। ठीक है गाइस, तो अब इसे हम ओपन करने जा रहे हैं। कहाँ से खुलेगा ये, कहाँ से खुलेगा? कहीं लग ना जाए हाथों को, खोलते हैं इसको। तो गाइस ये खुल चुका है हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड। की बार पैकिंग जरा इसकी सही नहीं आई है। ओहो, ये बचपन में हम इस वाली पॉलिथीन से बहुत खेला करते थे। ये देखो, मजा ही आता है कुछ इसको खोलने में। पेश है आपके सामने, ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। ये है डिगी टेक लाइट वेट डीवी ट्राइपॉड, कुछ ऐसा इसका डिजाइन है अंदर से। और सबसे बेस्ट बात इसमें है कि इसके साथ एक ब्लूटूथ डिवाइस है जिससे हम जो है पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ है इसमें, पोर्टेबल स्टेबल एंड कम्पैक्ट। ये इधर इसका वेट लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम मतलब 1 kg के आसपास जो है ये वज़न उठा सकता है। इसकी हाइट देर की इसमें 240 mm है और फोल्डर हाइट इसकी 260 mm है। और इस जो ट्राइपॉड का जो वेट है वो 0.149 kg है। ठीक है गाइस, तो अब हम इसे खोलते हैं, देख लेते हैं इसकी चारों तरफ क्या है। ये देखिए इसके साथ में क्या क्या आने वाला है, इस तरह का इसका कुछ डिज़ाइन है। चलिए गाइस, बिना देरी के हम इसे खोलते हैं। अब ये देखिए गाइस, इसको हम साइड में रख देते हैं इधर, और ये इसके साथ होल्डर निकला है, बॉक्स को साइड में रख देते हैं अपन। ये देखिए गाइस, अब इसको हम पॉलीथीन से बाहर निकालते हैं, देखते हैं, पॉलीथीन हटा देते हैं इसके साइड में। ये देखिए गाइस, जिस डिवाइस की मैं बात कर रहा था, इससे अपन फोटोज क्लिक कर सकते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस है ये, जैसे कार में कीज आती है, कुछ ऐसा इसका डिजाइन है, साइड में रख देते हैं। ये है हमारा डिजिटेक ट्राइपॉड, ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है। काफ़ी मुश्किल से हमने इसको मंगाया है। आप लोगों को मैं इसका प्राइस बता देता हूँ, ये 450 rupees का मेरे को पड़ा। जी हाँ, 450 का ये आया है, देख सकते हैं आप, ये ऐसा है दिखने में। ये देखिए गाइस, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं अपन। इसमें मोबाइल होल्डर होगा, हाँ मोबाइल होल्डर इसमें। ये देखिए गाइस, डिज़ाइन आप इसका देख पा रहे होंगे। ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है इसकी यूज। तो अब अपन इसके अंदर होल्डर फिक्स करके देखते हैं गाइस। ऐसे आ गए, टाइट कर लेते इसको थोड़ा सा। ये हो चुका है गाइस टाइट, बस इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम इसको। अभी हमारा ट्राइपॉड जो है ये रेडी है, देखिए इसको। तो आप कैसे भी करके इसको मूवमेंट कर सकते हो पेड पे, कैसे भी करके। आप सबसे बेस्ट बात इसकी यही है, ये देखिए गाइस, कैसे भी करके आप इसको लगा सकते हो। तो ये है हमारा ट्राइपॉड, चाकू को हटा देते हैं साइड में। तो ठीक है गाइस, अब
अब हम इसमें अपना एक अपने पास एक दूसरा मोबाइल है वो फिक्स करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास दूसरा मोबाइल, इसका हम यूज़ करेंगे, देखते हैं इसको हम लगा के कनेक्ट करके देख। ये कनेक्ट हो चुका है गाइस। तो अपन सबसे पहले इस डिवाइस का यूज करके देखते हैं अपन ये कैसे ऑन होगा। ये क्या देर का, ये रहा इसका ऑन ऑफ का डिवाइस बटन है इधर, ये ऑन हो गया। ऑन होते इसमें लाइट जलने लगी। अब हम अभी देखते हैं किस नाम से ये आता है, AB Shutter 3। ये कनेक्ट हो चुका है गाइस, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है गाइस। तो अब हम इसका कैमरा ऑन किया और ये देख पा रहे हैं अच्छी क्वालिटी इसकी। तो अब हम इसको कहीं पे रखते हैं, इसको ये कैप्चर करता है कि नहीं करता है वो हम देखते हैं चेक करके। गाइस देखिए इसमें दो फीचर दे रखे हैं, एक iOS के लिए है और एक Android के लिए है। तो हमने इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, ये इधर इसका ऑन ऑफ का जो है स्विच दे रखा है, अब ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। तो अब आपके सामने मोबाइल पर ट्राइपॉड पे लगा होगा, अब हम इसके जो एंड्रॉयड वाला जो स्विच है उसे ऑन करेंगे, देखते हैं दबा के कैप्चर होता है उधर। ये देखिए गाइस कैप्चर हो रहा है उधर, ये देखिए। अब हम इसे लॉन्ग प्रेस करके देखते हैं, लॉन्ग प्रेस से कुछ नहीं हो रहा, कैप्चर ही हो रहा है। तो गाइस